हम रोजे बेटवा को अने ऐसन बेटवा सुन के लागे हम रोजे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, जहाँ तक मेरा कल का ब्लॉग गया था ना, वहीं से जो है मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग शाम को घाट से आते हैं, उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह मिलके बनाते हैं। तो पहले से ही मौसी और भाभी आ गई थी, तो ये सब जो है अभी खाना बना रहे थे, और मैं भी फटाफट जो है कपड़ा चेंज कर लेती हूँ और मैं भी कुछ कुछ काम जो है करूँगी। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, सबसे पहले मैंने सबके लिए जो है चाय बना दिया है, क्योंकि से घाट तरफ से आए ना, तो मेहमान भी कोई कोई आए थे। मेहमान मतलब यही सब, जैसे कि घर के बड़ी मम्मी के जीजा जी सब, दीदी सब। तो यहाँ पे मतलब अभी मैं सबके लिए चाय बनाई हूँ, और यहाँ पे कोयला भी जला दिए हैं, क्योंकि कोयला इसलिए जलाया ना क्योंकि अभी जो है बहुत सारे काम होंगे चूल्हे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं सबको चाय दे देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे खाना भी बन गया था। तो एक बार सभी बच्चे जो है खाना खा लिए थे, उसके बाद अभी बड़े जने जो है बैठे हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, सभी लोग जो है खाना खा लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ये देखिए ठेकुआ बनने का जो है तैयारी हो रहा है। तो अभी ना बच्चे जो है देखते हैं कहाँ कहाँ सोते हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए आज के दिन में। और यहाँ पे ये देखिए, सभी लोग अभी खेल रहे, रात हो गया, रात के बज रही है 10, और सुबह ना जल्दी भी उठना है, पर अभी ये लोग जो है सो ही नहीं रहे। तो अभी यहाँ पे चल रहा है बच्चों का मस्ती, उसके बाद वहाँ पे जो है प्रसादी वगैरह सभी लोग मिलके बना रहे हैं, और अभी जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है। तो ये जो ठेकुए का प्रसादी बनता है ना, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो ये जेंट्स लोग जितने भी हैं घर के, और भी कोई बाहर से आए थे, तो वो लोग सभी लोग अभी मिलके जो है बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला चूल्हा होता है और ज़्यादा ठेकुए का प्रसादी ना बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो भी छठ माता करते हैं, पूरा गाँव में देना है प्रसादी, और फिर कोई कोई और भी जैसे मेहमान आए हैं वो भी लेके जाएंगे, वो भी अपना गाँव जाएंगे। तो इस तरीके से प्रसादी वगैरह सारा जो है देते हैं, बांटते हैं। और यहाँ पे प्रसादी एक बास्केट काट के रखेंगे, क्योंकि कल सुबह ना प्रसादी बांटेंगे ये वाला। और मम्मी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो अभी जो है यहाँ पे सो गई। और यहाँ पे ये देखिए, ये लोग जो है अभी प्रसादी बनाते जा रहे हैं, और रात भर अभी बनता है। इसके बाद ना कुछ भी जो है मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, तो फिर कोई कोई उठ के जो है इन लोग को 2-3 बार रात को जो है अभी चाय भी बना के देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक बार दे दिया है, फिर थोड़ी देर बाद एक बार भाभी चाय बना के दे देती है, उसके बाद ऐसे ही बनता है। ये देखिए ठेकुए का प्रसादी यहाँ पे बन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का जो है करीब 3 बज रहा है, हम लोग ना 2 बजे सो के उठे हैं, और उठ के जो है अभी एक जन बर्तन धोए, एक जन अभी पूरा जो है धो रहे हैं, एक जन इधर झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, और बाद बाकी अभी नहाने की तैयारी हो रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी जो है तालाब जाना है सुबह के अर्घ के लिए। तो अभी मम्मी जो है अपना वहाँ पर तैयारी कर दी है, सारे जो जो करना है
वहाँ पे। और बस अभी मैं कर रही हूँ दातुन, फटाफट दातुन कर लूँगी और जा रही हूँ नहाने ठंडे पानी से, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है अभी, तो कोई नहीं जल्दी से जो है अभी नहा लेते हैं। और चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग जो है सभी लोग रेडी हो गए हैं, और अभी लाइट आया था थोड़ा देर और लाइट ना कट गया है। अभी देखिए सभी लोग जो है आपका लगा रहे हैं और मैंने भी लगा लिया है, और तैयार हो गए हम लोग सभी लोग। बस अभी निकलने का टाइम हो गया, तभी हम लोग जो है निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ना तालाब आते आते जो है अभी ये देखिए बस सुबह होने वाला है, और सभी लोग आ रहे हैं, और अंधेरा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, फिर भी पहले से ही लोग जो है बहुत लोग आ चुके हैं। ये देखिए जगह भी हमें अभी मिलेगा, पर तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है घाट पे आ गए हैं, और अभी हम लोग सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, और अभी पंडित जी नहीं आए हैं और भी कोई कोई आएंगे। और यहाँ पे देखिए दीदी है, मनीषा है, और ये जो है हमारी मौसी है, और इधर भी एक मौसी है, और सभी लोग यहाँ पे भी बैठे हैं। तो बस अभी सुबह हो गया है, और अभी सारे सूट वगैरह सजा लिए हैं, तो अभी मम्मी सब जो है अर्घ देने का तैयारी कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले अभी जो है डुबकी लगा लेते हैं, नहा लेते हैं ठंडे ठंडे पानी से। और यहाँ पे अभी ये देखिए और भी सभी लोग जितने भी करते हैं ना, तो सब लोग आ गए थे, अब पंडित जी भी आएंगे, और यहाँ पे जो है ये अर्घ देने का तैयारी करेंगे। और सभी जो है अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ये देखिए सारा कुछ जो है अर्घ दिया जा रहा है। तो अभी सभी लोग जो है अर्घ देते हैं, और सभी लोग अपने अपने घर से लोटा में दूध भी लेके आए, तो अभी मैं भी अर्घ दे देती हूँ। और ये जो छठ का त्यौहार होता है ना हमारे में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है बिहार झारखंड में, और यहाँ पे ये बहुत मतलब कठिन व्रत है, और इसमें लगभग 3 से 4 दिनों का व्रत होता है। और बस मैंने तो कभी नहीं किया है, तो फिर देखती हूँ मैं कब कर पाती हूँ। और इसमें सारे मनोकामना जो है पूरा हो जाता है, घर में सुख शांति रहता है, बना रहता है, तो इस तरीके से बोला जाता है। और मैं सूप चघाई थी, और मैं व्रत जो है नहीं रखी थी, तो यहाँ पे भी ये देखिए मैं भी अर्घ दे देती हूँ। और यहाँ पे आंचल भी अभी सभी लोग जो है पसार रहे हैं, क्योंकि आंचल में ना अभी कोई भी फल वगैरह लेते हैं तो उनके भी मनोकामना जो है पूरा हो जाता है, मतलब फल वगैरह जो जिनके जिनके आंचल में जो है गिरता है। राम लक्ष्मण 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 राम लक्ष्
तो यहाँ पे सारे सूपों में जो है अर्घ दे रहे थे। उसके बाद सभी लोग आंचल पसारे जो है खड़े हुए थे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरे आंचल में फल गिरे। तो यहाँ पे अपने आप गिनना अच्छा होता है, पर मम्मी ना बहुत अच्छी है, वो जान जान के सभी के आंचल में जो है गिरा दी थी, सारे सूपों के जो फल है वो गिरा रही थी। तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोग मम्मी चाची लोग सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि पंडित जी जो है ना पूजा करवा रहे हैं जो है। तो सुबह भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा सुबह हो गया, तो एक एक करके जो है पूजा करवा रहे हैं। तो फिर अभी टाइम लग रहा है क्योंकि एक ही पंडित जी आए हैं इसकी वजह से। और अभी मैं पानी में खड़ी हूँ, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सभी लोग जो है ऊपर बैठे हुए हैं। अपन अपन गोत्र अपन अपन नाम तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है यज्ञ की तैयारी हो रहा है। ओम भगवान इसलिए आवाज तो फ्रेंड्स अभी ना काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो गया है, क्योंकि एक ही पंडित जी है और एक ही पंडित जी कभी यहाँ पूजा कर रहे हैं कभी वहाँ कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लेट हो रहा है और धूप निकल गया है। अय्या की जय। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो कोई तुम्हारी जल निर्मलयाता हो मैया तो अभी आरती जो है ख़त्म हो गया था यहाँ पे, अभी सभी लोग जो है आरती ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी आप देख सकते हो। Oh.
जितना सूप वाला हो देखो सूप क्या सकता सारा पूजा वगैरह जो है ख़त्म हो गया है, अब घर जाने की तैयारी हो रहा है। तो सारे सूपों को जो है अभी बांध रहे हैं और मैं भी अभी छठ माता को गंगा माता को जो है प्रणाम कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी ये देखिए सब कुछ जो है बांध लिए हैं। तो यहाँ पे अभी सभी लोग घर जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे एक बास्केट में जो प्रसादी काट के लाए थे ना, तो पूरे रास्ते अभी इसको जो है बांटते बांटते जाएंगे। तो अभी चाचा जी ये लगते हैं, तो अभी यहाँ पे ये देखिए सभी को जो है प्रसादी बांटते बांटते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये जो है सूर्य मंदिर है तालाब के पास, तो यहाँ पे अभी सभी लोग जो है पूजा कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे रास्ते में जा रहे थे ना, तो कुछ बच्चे जो है लेटे हैं, तो इन लोग को ना जो जो व्रत रखते हैं और उन लोग को लांगते हैं तो कहा जाता है कि अच्छा होता है इनको, बच्चों को कभी कुछ जो है तकलीफ़ वगैरह कोई बीमारी वगैरह नहीं होता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो हम लोग में यहाँ पर होता है हमारे गाँव में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये एक रस्म है और अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे छठ माता का त्यौहार ऐसे ही मनाते हैं। तो बस मैं यही सब जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई लांगने से कुछ नहीं होता है बच्चों को, बस अच्छे के लिए ही होता है। और यहाँ पे पूरे रास्ते में जो जो सुहागन मिलती है तो मम्मी का पैर छूती हैं और मम्मी जो है उनको टीका करती हैं सिंदूर का, और आंचल में जो है प्रसादी देते जाती हैं और ठेकुआ का जो प्रसादी होता है वो। तो यहाँ पे जो जो सुहागन मिलती है ना रास्ते में सभी लोग मम्मी का पैर छूते हैं और मम्मी जो है टीका करती है, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी रास्ते में जो है सभी लोग पैर छू रहे हैं, कोई कोई उनको जो है अभी आंचल में मम्मी जो है प्रसादी देते जा रही है। और बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं घर, थोड़ा सा और दूरी पर है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी अभी लेटे हुए हैं। तो कहाँ आ जाइए राधा दीदी ना, सबके नाम सो गया है क्या? सो गया ये। इधर से उठा, इधर से आ जा, इधर इधर से मुंह करो। मैं तो यहाँ पे अभी सभी लोग आ गए थे, उसके बाद मम्मी जो है अभी मैन थी तो मम्मी ना पीछे हो गई थी क्योंकि अभी सभी सुहागनों को टीका और प्रसादी वगैरह जो है देते आ रही थी, तो वो ना थोड़ा पीछे हो गई थी। तो अभी वो आएंगी पहले, फिर वो पहले अभी अंदर जाएगी, तब ये सारे लोग जो है अंदर जाएंगे। और यहाँ पे अभी कोई कोई मतलब सभी लोग जिसका जिसका मन कर रहा था यहाँ पे पैर धो रहे थे, और मैं थी और मनीषा भी अभी धो रही थी, और भी ये मेरी भाभी की बेटी लगती है ये, तो अभी सभी लोग जो है पैर धो देते हैं और मम्मी अभी आएगी तो मम्मी का भी पैर धो देंगे। तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग जो है अभी आ गए थे घाट से, उसके बाद यहाँ पे जो है पूजा हो रहा है सत्यनारायण जो है पूजा, तो अभी जो है आरती हो रहा है। देवता की जय, भारती नगर की जय, सभी माता।
तो यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद का क्लिप था। तो अभी मम्मी पारण जो है नहीं की है, अभी सभी बड़ों का पैर छू लिए है और सभी लोग हम लोग भी बड़ों का पैर छू लिए है। उसके बाद जो है अभी मम्मी पारण करेगी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो।